हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग क्रोशे बाय संजू। आज मैं आपके लिए कैप बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कैप बनाई हूँ 2 से 3 इयर्स की बेबी के लिए, क्योंकि इसमें मैं 3 कलर का उनका कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर बनाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए यहाँ से मैं बनाते हुए मैं कम्प्लीट की हूँ। देखिए यहाँ से बनाते हुए मैं पूरी कम्प्लीट करनी हूँ। पूरी कम्प्लीट करने के बाद मैं देखिए एक फ्लावर बनाकर यहाँ पे मैं सुई से स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए लरी बनाकर इस तरह की लगाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है लरी की। स्कैप बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कैप की डिज़ाइन मैंने बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। इसके लिए मैं देखिए पहले यहाँ से मैं बनाने के लिए स्टार्ट करूँगी, ऊपर की बेस बनाऊँगी, उसके बाद फिर ये डिज़ाइन डालूँगी। इसके लिए मैं देखिए रेड कलर का ऊन ली हूँ। देखिए 2 प्लाई के ऊन है, इसलिए मैं डबल करके बना रही हूँ। आप इसे 4 प्लाई के ऊन में बना सकती हैं, जैसे कि मैं देखिए ये मैं 4 प्लाई के ऊन में बनाई हूँ। और देखिए मैं 11 नंबर के क्रोशिया यूज कर रही हूँ। पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। इसके बाद मैं 6 चैन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 चैन बना ली हूँ। इसके बाद मैं लास्ट में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं 2 चैन बनाऊँगी, 1 2, और डबल क्रोशिए देखिए इसी जगह पे कुछ डालूँगी सर्कल में, और इस तरह से मैं डबल क्रोशिए बना लूँगी। इसके बाद दोबारा मैं देखिए डबल क्रोशिए इसी जगह में कुछ डालूँगी, और इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए डबल क्रोशिए में इसी जगह कुछ डालूँगी, इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन रही है। देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिए में बना ली हूँ। सेम इसी तरह से पूरी मैं 18 डबल क्रोशिए इसमें बनाकर मैं कंप्लीट कर लूँगी, और लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी 18 डबल क्रोशिए बना ली हूँ। लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से सर्कल की तरह से बन गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चैन बनाऊँगी, 1 2, और डबल क्रोशिए देखिए इसी जगह पे कुछ डालूँगी, और इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। इसके बाद मैं देखिए डबल क्रोशिए यहाँ पर 1st चैन में कुछ डालूँगी, और इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर क्रोशिए डालूँगी, और इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। 2nd चैन में क्रोशिए डालूँगी और 2 डबल क्रोशिए बनाऊँगी, जैसे कि मैं 1st चैन में देखिए 2 डबल क्रोशिए बनाई हूँ। सेम उसी तरह से मैं 2nd चैन में भी 2 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरे राउंड कम्प्लीट कर लूँगी। लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, 1st चैन में 2 डबल क्रोशिए बनाई थी, सेम उसी तरह से सारे चैन में 2 डबल क्रोशिए बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चैन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए इसी जगह पे क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। इसके बाद देखिए 1st चैन में क्रोशिए डालूँगी और 1 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 2nd चैन में क्रोशिए डालूँगी और 2 डबल क्रोशिए बनाऊँगी, 1 2। देखिए 1st चैन में 1 डबल क्रोशिए बनाई हूँ, 2nd चैन में 2 डबल क्रोशिए बनाई हूँ। इसके बाद मैं 3rd चैन में 1 डबल क्रोशिए बनाऊँगी, 4th चैन में 2 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरे राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। देखिए 1st 2nd 3rd रो में कंप्लीट कर ली हूँ। मैं 4th रो बनाऊँगी। यहाँ पे मैं 2 चैन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए इसी जगह पर क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1st चैन में क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 2nd चैन में क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से मैं सारे चैन में डबल क्रोशिए बनाते हुए मैं पूरे राउंड कंप्लीट कर लूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, सारे चैन में डबल क्रोशे बनाते मैं कंप्लीट कर ली हूँ, लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं 1-2 चैन बनाऊँगी और देखिए इसी जगह पे क्रोशे डालूँगी और डबल क्रोशे बनाऊँगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट चैन में क्रोशे डालूँगी और डबल क्रोशे बनाऊँगी, सेकेंड चैन में क्रोशे डालूँगी 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी। देखिए 1-2, थर्ड चैन में क्रोशे डालूँगी 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी, फोर्थ चैन में क्रोशे डालूँगी और 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इस तरह से बनाते हुए सारे चैन में पूरी राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इस तरह से बनाते हुए मैं सारे चैन में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट में ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं सिक्स्थ रो बनाऊँगी। देखिए 1-2 चैन बनाऊँगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसी जगह पर क्रोशे डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशे बना लूँगी। फर्स्ट चैन में क्रोशे डालूँगी, डबल क्रोशे बना लूँगी, सेकंड चैन में क्रोशे डालूँगी और डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए इस तरह से सारे चैन में 1 डबल क्रोशे बनाते हुए मैं पूरे राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और जैसे मैं 6th रो बना रही हूँ, सेम उसी तरह से मैं 7th रो भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं 6th रो बनाई थी, सेम उसी तरह से मैं 7th रो बना ली हूँ। देखिए 6th और 7th रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ और लास्ट में देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। ये पूरी 7 रो कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से कैप की है, शेप बन रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे गांठ लगा लूँगी, काट के उनको मैं साइड कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 चैन बनाऊँगी, 1-2 और डबल क्रोशे। देखिए इसी जगह पर क्रोशे डालूँगी और इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1-2। देखिए इस तरह से मैं इसमें 3 डबल क्रोशे हो गई है। इसके बाद मैं 1 चैन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए फर्स्ट, सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशे डालूँगी यहाँ पे और इस तरह से मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1-2-3। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना ली हूँ। इसके बाद मैं 1 चैन बनाऊंगी। देखिए फर्स्ट, सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशे डालूंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से और 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1-2-3। 1 चैन बनाऊंगी, दोबारा मैं उसी तरह करूंगी। देखिए फर्स्ट, सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशे डालूंगी और 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1-2-3। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से पूरे राउंड में बनाते हुए देखिए पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। इसके बाद मैं देखिए 1 चैन बनाऊंगी और देखिए फर्स्ट, सेकंड चैन छोड़कर लास्ट में यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए क्रोशिया इस तरह से डालूँगी और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। बाद यहाँ पर मैं 2 चैन बनाऊँगी और देखिए दोबारा मैं इसी जगह पर क्रोशे डालूँगी और 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1-2। देखिए इसमें 3 डबल क्रोशे हो गई है। देखिए 2 में चैन बनाई थी स्टार्टिंग में। इसके बाद में देखिए 1 चैन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पे क्रोशे डालूँगी और 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1-2-3। देखिए 3 डबल क्रोशे बना ली हूँ। इसके बाद 1 चैन बनाऊँगी, बाद देखिए यहाँ पे क्रोशे डालूँगी और 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1-2-3।
थ्री वन चैन बनाऊंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और देखिए मैं येलो कलर से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लूँगी, सेकेंड रो बना रही हूँ मैं। सेम इसी तरह से थर्ड रो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड जैसे कि मैं फर्स्ट रो बनाई थी सेम उसी तरह से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। लास्ट में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये ऊन को मैं काट के साइड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं देखिए वाइट कलर का ऊन ज्वाइन करूँगी। इस तरह से गांठ लगा लूँगी। देखिए गांठ लगा ली मैं। इसके बाद टू चैन बनाऊंगी, वन टू। और देखिए इसी जगह पर कुछ डालूंगी और थ्री डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए वन देखिए इसमें थ्री डबल क्रोशिया हो गए। देखिए टू डबल क्रोशिया बनाई हूँ और ये देखिए चैन वाला थ्री डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद मैं वन चैन बनाऊंगी और देखिए यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी और यहाँ पे मैं थ्री डबल क्रोशिया बनाऊँगी, वन टू थ्री। देखिए थ्री डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद वन चैन बनाऊँगी, दोबारा देखिए यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी और थ्री डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड इस तरह से बन रही है। जैसे कि मैं येलो कलर से थ्री रो डिजाइन में कंप्लीट की थी सेम उसी तरह से वाइट कलर से थ्री रो में कंप्लीट करूँगी। और वाइट कलर से थ्री रो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रेड कलर से मैं थ्री रो कंप्लीट करूँगी। जैसे कि मैं डिजाइन बना रही हूँ सेम उसी तरह। देखिए मैं कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं येलो कलर से थ्री रो डिजाइन बनाई थी मैं सेम उसी तरह से मैं वाइट कलर से बनाई हूँ और रेड कलर से। देखिए पूरी नाइन रो डिजाइन कंप्लीट कर ली हूँ मैं। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाकर ये ऊन को मैं काट के साइड कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर येलो कलर का ऊन ज्वाइन करूँगी। जैसे कि मैं देखिए रेड कलर से बनाने के बाद मैं येलो कलर से बनाई थी सेम उसी तरह से बनाऊँगी। देखिए इस तरह से मैं येलो कलर का ऊन गांठ लगाकर यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर टू चैन बनाऊँगी, वन टू। और देखिए ये ऊन को मैं देखिए इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर मैं कुछ डालूँगी फर्स्ट चैन में और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए सेकेंड चैन में कुछ डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं देखिए वन चैन बनाकर मैं गैप दी थी तो यहाँ पे मैं कुछ डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है सेम उसी तरह। देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट चैन में ये जो देखिए डिजाइन बनाई हूँ यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद मैं देखिए सेकंड चैन में कुछ डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए इस डिज़ाइन में मैं टू डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए सेम इसी तरह से मैं बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन रही है। इसके बाद मैं लास्ट में देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं वन टू चैन बनाऊँगी और डबल क्रोशिया देखिए बैक साइड से यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से कुछ डालूँगी तो इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया फ्रंट साइड से इस तरह से मैं कुछ डालूँगी फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी।
दोबारा मैं देखिए बैक साइड से कुछ डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जैसे कि मैं देखिए चैन में मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया इस तरह से डाल रही हूँ और इस तरह से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन रही है। वन डबल क्रोशिया फ्रंट साइड से बनाना है और वन डबल क्रोशिया बैक साइड से। इस तरह से बॉर्डर में बनाते हुए जाऊंगी। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन रही है। वन डबल क्रोशिया में फ्रंट साइड से बना रही हूँ, वन डबल क्रोशिया में बैक साइड से बना रही हूँ, ऐसे आप ध्यान दें। जैसे कि मैं सेकेंड रो बना रही हूँ, सेम उसी तरह से पूरी मैं फोर रो बनाऊंगी। जैसे कि देखिए फर्स्ट रो बना ली हूँ मैं, सेकेंड रो बना रही हूँ और थर्ड फोर्थ इसी तरह से मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। आप जितनी चौड़ाई बॉर्डर रखनी चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप बॉर्डर बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं फोर्थ रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ बॉर्डर, देखिए इस तरह से बन गई है। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर ली हूँ। मैं देखिए इस तरह से गांठ लगाकर ऊन को मैं काट के साइड कर लूँगी। देखिए ये जो धागे दिख रही है इसको मैं क्रोशे से अंदर कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स कैप इस तरह से बन गई है। अब मैं एक फ्लावर बना के यहाँ पर सुई से स्टिच कर लूँगी। आप यहाँ पे बटरफ्लाई भी लगा सकती हैं या फिर किसी भी तरह का फ्लावर बनाकर यहाँ पे सुई से स्टिच कर सकती हैं। देखिए मैं फ्लावर बनाकर रखी हूँ पहले से। ये फ्लावर किस तरह से बनती है इसकी वीडियो मैं यूट्यूब में अपने चैनल में बनाकर डाल रखी हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से सुई से स्टिच कर लूँगी और देखिए इस तरह की मैं लरी भी बनाई हूँ। देखिए देखिए इस तरह से आएगी ये। देखिए टू पीस में बना के रखी हूँ, वन पीस में आपको बनाते हुए मैं बताती हूँ। रेड कलर से बनाऊँगी मैं। इसके लिए मैं देखिए रेड कलर का ऊन ली हूँ। देखिए इस तरह से पहले मैं गांठ लगा लूँगी, इसके बाद मैं 25 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 देखिए फ्रेंड्स मैं 25 चेन बना ली हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन छोड़कर सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए 1 2 3 देखिए फर्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। सेम उसी तरह सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 देखिए फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए इस तरह से राउंड होने मुड़ती जाएगी जैसे कि ये देखिए बनती गई है। सेम इसी तरह से मैं सारे चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी और देखिए इस तरह की सेम बनती जाएगी, इस तरह से मुड़ती जाएगी। सेम इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स सारे चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरह से राउंड राउंड बनती गई है। देखिए इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा के उनको मैं काट लूँगी। इसको मैं देखिए यहाँ पे दोनों को धागे पकड़कर मैं गांठ लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरह से 3 पीस बन गई है। देखिए इस तरह से देखिए ये वाइट कलर के मैं थोड़ी सी बड़ी बनाई हूँ। ये मैं 28 चेन की बनाई हूँ और देखिए ये दोनों मैं 25 चेन के बनाई हूँ। देखिए मैं फ्लावर के साथ इस तरह से मैं स्टिच कर दूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। अब मैं कैप में इस तरह से स्टिच कर लूँगी यहाँ पे। अगर आप राइट साइड रखना चाहती हैं तो राइट साइड रख सकती हैं, या फिर लेफ्ट साइड इसको स्टिच कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से, देखिए बॉर्डर तक यहाँ तक आएगी, इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप एक कैप ख़रीदना चाहती हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर ख़रीद सकती हैं, या फिर आप अमेजोन पर भी जाकर आप ख़रीद सकती हैं कैप। देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। अब मैं धागे को बैक साइड लाऊंगी। देखिए मैं बैक साइड से यहाँ पे अच्छी तरह से गांठ लगा लूँगी, इसको मैं काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर में सुई से स्टिच कर ली हूँ। देखिए अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से आएगी है। फ्रेंड्स, ये मैं कैप बनाई हूँ, ये मैं 4 से 5 ईयर्स के बच्चे के लिए मैं कैप बनाई हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे छोटा बना सकती हैं और इसे बड़े भी बना सकती हैं। आपको इसे छोटे कैप बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे मैं 18 फंदे से मैं स्टार्ट की थी, आप यहाँ पे 16 फंदे से स्टार्ट करेंगी तो 2 से 3 ईयर्स के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी आएगी। और ये आप सर की लंबाई जैसे है उसके अकॉर्डिंग आप ये रखेंगी। देखिए इस तरह से आएगी है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। और देखिए सेम डिज़ाइन में मैं, देखिए अलग कलर में बनाई हूँ। देखिए डिज़ाइन दोनों की सेम है, कलर केवल डिफरेंट है। और देखिए इसमें फ्लावर में 2 कलर में फ्लावर बनाकर लगाई हूँ, इसमें मैं 3 कलर के फ्लावर बनाकर लगाई हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है दोनों कैप। ए मैं 2 से 3 ईयर्स की बेबी के लिए बनाई हूँ और ए मैं 4 से 5 ईयर्स की बेबी के लिए मैं बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाएं। और बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं आप। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।